नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सुमन। तो आज की वीडियो में आप सभी दर्शक बंधुओं को बताएंगे कि इस लॉकडाउन टाइम पे जहाँ पे सभी जगह पे जो बुजुर्गर जो लोग पालते हैं या जो लोग कॉर्डल पालते हैं, लंबर्स पालते हैं, कुनूर पालते हैं, वहाँ पे सीट की कमियाँ हो रही है। तो इस सीट की कमियों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करें? तो बहुत से लोग बॉयल राइस का यूज़ कर रहे हैं, रोटी का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत दिनों से इस टाइप का खाना दे रहा हूँ ताकि मैं जितना से जितना हो सके सीट को बचा सकूँ। तो मैं आज जो खाना यूज़ कर रहा हूँ वो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। पेट्स एम्पायर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरा इस चैनल को देखते हैं, जितने भी पेट्स लवर हैं, जितने भी बर्ड्स लवर हैं, तो आप अगर अपने हैसियत के हिसाब से कुछ भी अगर भारत सरकार को देना चाहते हैं डोनेट, तो कर सकते हैं। कैसे करना चाहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगा। मैं जैसे कि गूगल पे से अगर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पीएम केयर बोल के लिखा हुआ होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा, डोनेट नाउ। आप यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से, COVID-19 इतने दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंसान जो डे बाई डे मैंने इनकम करते हैं, मतलब इनका इनकम जो भी है 100-200 रुपये उस हिसाब से ही खाते हैं, ज़्यादा सेविंग नहीं है उन लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है अभी। तो इसलिए सरकार ने डिसाइड किया है कुछ पैसा उन लोगों को दिया जाएगा, कुछ खाना उन लोगों को दिया जाएगा। तो इसलिए पेट्स एम्पायर फैमिली मेम्बर और मैं खुद कुछ डोनेट कर रहा हूँ, और अब जितने भी वीडियोज़ देख रहे हैं मैं सभी को बोलूँगा कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। तो मैं अब अपने हिसाब से कुछ डोनेट कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि थैंक यू फॉर गिविंग पीएम केयर फाउंड 50 रुपीज़ डोनेट किया मैंने। ठीक है, अभी जितने लोग पेटीएम से डोनेट करेंगे वो लोग कैसे करना चाहेंगे और कैसे करेंगे, जिन लोग पेटीएम से करेंगे वो कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पेटीएम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पे, उसके बाद UPI मनी ट्रांसफ़र, उसके बाद थर्ड नंबर पर लिखा हुआ कॉन्ट्रीब्यूट पीएम केयर फाउंड। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आना है थोड़ा नीचे, यहाँ पे दिखा हुआ है 500, 1000, 5000, अब अपने हिसाब से पैसा डोनेट कर सकते हैं। ये देखिए दर्शक बंधु, पेटीएम का 50 रुपीज़ का जो कॉन्ट्रीब्यूट है वो सक्सेसफुली दिखा रहा है हमको। अभी फ़ोनपे में अगर आप करना चाहेंगे तो फ़ोनपे ओपन करने के बाद क्लिक टू डोनेट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अभी आपको क्लिक करना है डोनेट नाउ पे, उसके बाद आप अपना जो भी पैसा देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये देखिए दर्शक बंधु, मैं जो है कि ये खाना यूज़ कर रहा हूँ आज के दिन। दिन ब दिन खाना चेंज होता है, एक ही टाइप का खाना रोज़ यूज़ नहीं करता हूँ। ज़रा देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें है आपका गाजर, ठीक है, और बीट और गाजर मिक्स है, ठीक है। और इसके साथ मैं और भी कुछ कुछ चीज़ें मिक्स करूँगा, ये मैं बजरीगर कुनूर को ऑर्डर लबर्स को दूँगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। मैं जितना हो सके इस टाइप का सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितना से जितना सीट को कम कर सकें। क्योंकि देखिए सीट अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाय करेंगे तो दूसरे लोगों को भी नहीं मिलेगा, और जल्दी जल्दी सीट आपके लगों में ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसमें जो है कि कुछ स्प्राउटेड वाले चने हैं जो मैं मेरे बर्ड्स को बजरी को यूज़ करूँगा, और ये खीरा है, और ये कुछ बीन्स है। तो चलिए मैं देते हैं बर्ड्स को। और फ्रेंड्स, इसके साथ ये कुछ हैंड फीडिंग फार्मूला है, ये मैंने एक मुट्ठी लिया है, ये फ्रेंड्स इसके साथ मिक्स कर देंगे, ताकि बर्ड्स का जितने भी चिक्स वगैरह हैं, या बहुत से लोगों के पास चिक्स रहता है, तो प्रोटीन लेवल बरकरार रहेगा हैंड फीडिंग खाना इस सॉफ्ट फूड के साथ थोड़ा सा मिक्स करके देने से। बंधुओं, 5:30 बर्ड्स को मेरा बनाया हुआ सॉफ्ट फूड इस लॉकडाउन टाइम पे दे दिए सारे बर्ड्स को। अभी तो घर में ही हूँ, कुछ काम नहीं है, सभी लोग घर में हैं, तो वीडियोस रोज़ बना रहा हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आशा करते हैं आप सभी दर्शक बंधुओं को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस सीट को लेकर जो टेंशन है, बर्ड्स का सीट नहीं मिल रहा, ये बड़ा ही गंभीर सा एक प्रॉब्लम है, इसका हल जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो ज़्यादा दिन जाएगा। अगर प्रॉब्लम ऐसे ही बढ़ते रहा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बर्ड्स के लिए, खास करके जो लोग बजरीगर पालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आप लोगों को सारे बर्ड्स कैसे इंजॉय से खा रहे हैं। ये देखिए दर्शक बंधु, ये है मेरा कोन्यूर, सबसे फर्स्ट जो मैं कोन्यूर बाय किया था वो वाला कोन्यूर। ये लोग इंजॉय से गाजर खा रहे हैं, फेंक भी दिया।
ये देखिए इन लोगों को दे दिया है गाजर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रहा रेड फैक्टर पाइनएप्पल कोनियल ब्रीडिंग पेयर है और ये भी सॉफ्ट फूड को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय से खा रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा एक येलो साइडेड कोनियल है, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड इंजॉय से खा रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बजरीगर हैं, जो बजरीगर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय से ये सारे सॉफ्ट फूड खा रहा है। दर्शक बंधु, इस तरीके से मैं अपने बर्ड्स का केयर कर रहा हूँ, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। बॉयल राइस, रोटी को पानी में भिगो के, जो चीरा बोलते हैं हम लोग वो चीरा, और बहुत टाइप के ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब खाना खिला के अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं इस लॉकडाउन टाइम पे। उसमें आपका आपके जो सीड है उस सीड की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, और जितना ज़्यादा सीड है आपके पास वो सीड दोपहर टाइम या इवनिंग टाइम पे आप देने की कोशिश कीजिए। बाकी का जितना टाइम हो इस तरीके के खाने वेजिटेबल्स या सॉफ्ट फूड से बर्ड्स को पेट भराइए। अब जहाँ जहाँ पे दाना नहीं मिल रहा है वो लोग क्या करेंगे, दो टाइम तीन टाइम ही उन लोगों को इस टाइप का खाना देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके इलाके में नहीं मिल रहा तो दूसरे इलाके में जाए छानबीन करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, पिछले वीडियो में ही बोला था, दूसरे इलाके में जाए छानबीन करें कहाँ पर दाना मिल रहा है, थोड़ा देखिए। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद।